तो यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है, सारे काम सुबह के साफ सफाई वाले सारे काम करके मैं ये काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे चावल का आटा लिया है 2 कटोरी और मूंगफली साथ ही मैंने रख दी है गैस पे धीमी आंच करके चटनी बनाने के लिए। तो धीरे धीरे आंच पे जब मूंगफली भुजती है तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे दही ले रही हूँ, तो घर में मैंने फ्रेश दही एकदम जमाई है, खट्टी भी नहीं है, रात में जमाई थी और सुबह ही बना रही हूँ। अगर 2 कटोरी चावल का आटा लेते हैं तो उसमें आधी कटोरी अगर खट्टी दही है तो आधी कटोरी डालिए, और फ्रेश है एकदम खट्टी नहीं है तो आप 1 कटोरी डाल दीजिए। उसके बाद इसमें नमक डाल दिया है और उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे, और पहले एकदम गीला नहीं करेंगे, बाद में हम जब बनाने चलेंगे तो हमें सूखा लगेगा तो हम फिर से और मिला लेंगे, लेकिन एक साथ पानी नहीं डालना है। और जो हम भिगो के चावल और दाल की बनाते हैं वो वाली तो बनती ही है, लेकिन ये सब ये जल्दी से जैसे सूजी की हो गई, ये चावल की आटे की हो गई, ये जल्दी से बन जाती है और अच्छी भी लगती है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगती है, अच्छी भी लगती है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो मैंने चावल का आटा पीस के रखा है, जब मर्जी होता तब बना लेती हूँ जल्दी से। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी जा रही हूँ दूध लेने के लिए। सुबह सुबह बस सारे काम हुए हैं, झाड़ू लगाई, आज बृहस्पतिवार है ना तो पोछा नहीं लगाया, झाड़ू लगाई, साफ़ सफाई करी, और मौसम आज बढ़िया है तो बस दूध लेके चलती हूँ घर में और फिर सारे काम फिर शुरू होते हैं, नाश्ता वगैरह होगा। तो वहाँ से दूध लेके आने के बाद बस नहाना धोना हुआ है और आज कपड़े भी नहीं धुलने होते मुझे, जैसे मैं अब तो पोछा भी नहीं लगाती हूँ और कपड़े पहले से ही मैं नहीं धुलती थी। तो यहाँ पे बस पूजा करने के बाद जल चढ़ाने के लिए आ गई हूँ। बृहस्पतिवार होता है तो मैं हमेशा ही पीली साड़ी पीला सूट ही पहनती हूँ, और आप लोग के कई बार कमेंट आ रहे हैं कि आप उल्टे हाथ से करती हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं उल्टे हाथ से नहीं करती हूँ, मेरे काम सब दाहिने हाथ से होते हैं, क्योंकि कैमरा जब कभी हम पीछे के कैमरे से बनाते हैं तो आपको सही दिखेगा और जब आगे के कैमरे से वीडियो बनते हैं तो आपको लगेगा कि उल्टे हाथ से कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। और कई लोग ये भी बोल रहे हैं मॉर्निंग रूटीन पूजा का वीडियो बनाने के लिए, शेयर करने के लिए, मॉर्निंग रूटीन में मैं पूजा कैसे करती हूँ, तो मैं आगे कोशिश करूँगी किसी दिन आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है, इतने सारे काम होते हैं कि जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत तो दिखा देते हैं, अगर हमें ज़्यादा वीडियो बनाना होता तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैं किसी दिन सोच रही हूँ, किसी दिन आप लोग के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो हो गई पूजा पाठ, और यहाँ पे गर्मी की वजह से कालीन जो बिछी रहती थी वो भी हटा दिया है और पूरे कमरे का सेट ही बदल गया है, वो आप लोग अभी देखेंगे बाद में। तो चलिए अभी तो नाश्ता पहले बना लेती हूँ, जल्दी से करती हूँ, काफी लेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने दाल भी डाल दी थी काम करते करते, तो दाल बन गई है, उसको पलट दिया है, अब इसी कुकर में मैं इडली बनाऊंगी और इडली को छौंक के बना रही हूँ। ऐसे आप बिना छौंक वाली भी ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे दही नमक और चावल के आटे को मिला के, पर यहाँ पे छौंक लगानी है, जिसमें मैं राई, उड़द की दाल, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी चना दाल और करी पत्ता ये डाला है, और इसी से इसमें लगाऊंगी छौंक। ये सूखा हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला है, और इसको आधे घंटे ही रखना, ज़्यादा देर रखना नहीं है, लेकिन मेरे बहुत सारे काम थे तो मैंने इसको रख दिया था, फूलने से ज़्यादा देर में ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगा, तो मैंने भिगो के वैसे रख दिया था। और काफ़ी टाइम जब मैं फ्री हुई हूँ तो आई हूँ बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, वो डाला है छौंक लगाने के बाद। तो आप इनो भी डाल सकते हैं, मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस उसके बाद मैंने यहाँ कुकर चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, और एक तो इडली स्टैंड दूसरा वाला आता है लेकिन मेरा ये वाला है तो मैं कुकर में ही डाल के बनाती हूँ, तो बस ऑयल लगा देना है। इडली बनाना बहुत आसान है, मैं अक्सर बनाती भी रहती हूँ नाश्ते में, कभी शाम के टाइम में। तो यहाँ पे मूंगफली की चटनी, और चटनी भी मैं अक्सर मूंगफली की ही बनाती हूँ क्योंकि अच्छी लगती है मुझे। नारियल की चटनी मैंने और पहले बनाई थी पर वो अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं पसंद है, इसलिए नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस लगा के अब मूंगफली को, छिलकों को भी निकाल के इनकी चटनी बनाने की तैयारी है। तो इस तरह से मैं इसके छिलके निकाल लेती हूँ। अब मैंने मूंगफली को डाल लिया है जार में, और उसके बाद इसमें हरी मिर्च डाली है, उसके बाद नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद पानी डाल के
बस इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, पीसते जाएंगे, इकट्ठा मतलब सूखा होता है मूंगफली में हम, और बारीक एकदम पीसना होता है। और पीसने के बाद मैंने पलट लिया है एक बाउल में, और इसको थोड़ा सा और पानी डाल के, उसमें काफ़ी लगा हुआ था उसको मैंने धुल दिया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाला है, लाल मिर्ची, हींग और राई, करी पत्ता ये डाला है। इसको इससे लगा दूंगी छौंक चटनी में। तो यहाँ पे बस चटनी भी रेडी हो गई है। अभी इसमें नींबू भी डालना है, तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। अगर नींबू नहीं है, इमली है आपके पास, जब पीसते हैं उस समय आप इसमें इमली भी डाल के पीस सकते हैं, वो तब भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बस, और उसके बाद ये 10 मिनट के लिए कुकर में रखना था, और प्रेशर उसका सीटी वगैरह जो है वो निकाल दिया था मैंने। और निकालने के बाद बस यहाँ पे तैयार हो गई है इडली। ये लीजिए, आप लोग भी नाश्ते में बस इडली खाइए, गर्मा गर्म बहुत टेस्टी बनी थी, तो आप लोग भी ट्राई करिए एक बार। और यहाँ पे आज मटका भरा जा रहा है, क्योंकि ये हम लोग फ्रिज में पानी नहीं रखते हैं ना, तो इसलिए मटके में बहुत गर्मी हो रही है, तो मटका भरा जा रहा है। मटका का पानी अब सब पियेंगे। तो आज शाम के समय में यही चाय बिस्किट, चाय क्या बन रही, काढ़ा बन रहा है। आजकल हम लोगों ने चाय पीना ही छोड़ दिया है, मैं और ये दोनों ही लोग सुबह शाम दोनों टाइम ही काढ़ा ही चल रहा है। तो काढ़ा मेरा बन गया है, दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए काढ़ा बन गया है। और बस पार्ले जी पार्ले जी खाते हम लोग। ये देखिए आप लोग, पूरे रूम की सेटिंग ही चेंज हो गई इस कूलर की वजह से। यहाँ पे कूलर लगा है, मटका आ गया है, इधर बेड, इधर किस तरह से हो गया। अभी फिर हम लोग इसको चेंज करेंगे, सब इधर उधर हो गया है पूरे रूम में। कालीन भी फोल्ड करके रख दी है, और मतलब अभी तो शाम का टाइम हो गया है, सुबह से वही नाश्ते वगैरह के बाद फिर खाना पीना हुआ था दोपहर में, ये ड्यूटी से आए थे, उसके बाद फिर वीडियो वगैरह डाल के मैं रेस्ट करी थोड़ी। अभी तो यहाँ पे अब शाम का रूटीन शुरू है, तो झाड़ू फिर वही बर्तन वगैरह धुल के रख दिए हैं, और छत पे जाना फिर आके खाना बनाना। तो इसके साथ साथ मैं शाम के रूटीन आप लोग देखते रहिए, इसी के साथ मैं अपनी थोड़ी सी आप बीती बताना चाहती हूँ, आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मेरे 10 साल बीते थे। मैं एक फ़ौजी की वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, और अभी तो घर पर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। और 10 साल मैं गाँव में थी, और ये ऐसी ऐसी जगह की पोस्टिंग हुआ करती थी कि बस साल भर में 2 या 2.5 महीने की छुट्टी आया करते थे बीच बीच में करके। और ये दिन मेरे लिए बहुत ही कैसे बीते हैं मैं नहीं बता सकती हूँ, एक फौजी की औरत समझ सकती है जब उसके हस्बैंड जब होते हैं ऐसी जगह पे जहाँ डर बना रहता है पूरे टाइम, कहीं कोई कभी कोई बात ना हो, क्योंकि उनको ऐसी जगह पोस्टिंग ही नहीं मिली। कि सभी का मन होता है कि साथ में अपने बच्चों को लेके रखने में, वाइफ को रखते भी हैं, लेकिन इनकी पोस्टिंग शुरू शुरू में थी, जैसे ही मेरी शादी हुई थी उसके बाद इनको लखनऊ में इनकी पोस्टिंग थी, तो इन्होंने बोला चलो साथ में चलता हूँ, पर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अभी शादी हुई है और घर में लोग क्या कहेंगे, और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी उस समय, मेरी शादी थोड़ी कम एज में हुई थी, तो बस उस समय मैंने मना कर दिया। उसके बाद फिर इनको ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग मिलती रही कि साथ में चाहकर भी नहीं ले जा पाए, तो उस समय में मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हुए, और उसके बाद फैमिली भी मेरी जॉइंट फैमिली थी घर में, मेरे सास ससुर जेठ जेठानी देवर ननद, और मेरी जेठानी के भी 5 बच्चे थे, मतलब फैमिली काफ़ी बड़ी भी थी। लेकिन ये था कि कोई ऐसा नहीं था, अच्छा था परिवार, सपोर्ट करते थे सब, लेकिन तब भी कितना भी अच्छा परिवार हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत, जहाँ बोलते नहीं 4 बर्तन हैं वहाँ खनकते ही हैं, होता था, लेकिन सब दिन बीत जाते हैं। और कभी आज तक मेरे ससुराल में किसी से कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि ये मेरे घर वाले भी वीडियो देखते हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि मतलब कि झूठ बोल दूँ आप लोग के लिए, और घर वाले देखेंगे वो तो समझ ही जाएंगे, तो इसलिए कोई झूठ नहीं, जो मेरा रियल मेरे ऊपर बीता है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन जब ये आते थे तो कैसे दिन बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था, और फिर जब ये जाते थे मैं रोया भी करती थी, और उसके बाद फिर आने के दिन गिनना शुरू हो जाता था, मेरा जाने के बाद ही फिर शुरू हो जाते थे गिनने के दिन, और फिर गिनते 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 गिनते, उस समय फ़ोन भी नहीं थे, जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, फिर बाद में फ़ोन घर में वही जो डिब्बे वाला WLL वो लग गया था, उससे फिर बात हो जाती
जाती थी कभी कभी, क्योंकि ऐसी जगह पोस्टिंग होती थी वहाँ फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, कभी बात भी नहीं होती थी, फिर बाद में फ़ोन मोबाइल वगैरह, फिर धीरे धीरे होते गए, फिर धीरे धीरे 10 साल मेरे बीत गए और तीनों ही बच्चे हो गए थे। और मैं वहीं पे, वहाँ पे स्कूल वगैरह थोड़े दूर थे, बच्चों को ट्यूशन कोचिंग वगैरह नहीं मिलती थी, फिर लास्ट में इनको यहाँ देहरादून में पोस्टिंग मिली तो ये साथ में ले आए। फिर यहाँ पे सारी सुविधा थी, बच्चे पढ़ने भी अच्छे से लगे और सब कुछ, तो इन्हीं का डिसीजन था कि यहीं रुक जाते हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि हम यहाँ रहें या वहाँ, हम लोग अभी भी आपस में बात करते हैं तो लगता है चलो कभी ना कभी हम गांव चलेंगे, वहीं घर बनाएंगे, वहीं शिफ्ट होंगे, तो हम लोग का कभी भी प्लान हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा यही था कि बच्चे थोड़े से पढ़ के बड़े हो जाएँ, सब बड़े हो जाएंगे तो समझदार हो जाते हैं, तब डर नहीं रहता है, क्योंकि गाँव में थोड़ा सा होता भी है, बाहर घूमते हैं और स्कूल और ट्यूशन कोचिंग नहीं मिलता है, दूर रह, स्कूल काफ़ी दूर था, बस वगैरह से जाना पड़ता था, इसीलिए फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं। और यहाँ पे हमें काफ़ी साल यहाँ पे भी हो गए हैं रहते हुए, तो कब तक यहाँ हमारा देहरादून में लिखा हुआ है ये हमें भी नहीं पता है। लेकिन ये है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुझे हमेशा भरोसा रहा अपने भगवान पे, अपनी माता रानी पे, मैं हमेशा से पूजा पाठ करती थी और उन्हीं पे विश्वास रख के, जब ये ऐसी जगह रहते थे कभी लड़ाई कभी कुछ सुनने में आता था, कुछ ऐसे केस, तो उन्हीं से प्रार्थना करती थी और मेरे दिन धीरे 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 करके बीत गए। लेकिन बहुत ही कठिन दिन थे, 10 साल थोड़े से नहीं होते हैं, फिर भी जो हुआ बीत गया। अभी हम लोग साथ में हैं और प्यार से हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या है। तो लाइफ के हर दिन बीत जाते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया है, सारे काम हो गए हैं और आज का रूटीन और आज की जो मैंने आपको स्टोरी बताई है कैसी लगी आप लोग बताइएगा। वो मेरी रियल स्टोरी है जो भी मैंने आपसे, वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है, अगर मैं बताने लगूंगी तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर भी जो छोटे से ब्लॉग में आप लोगों से मैं शेयर कर पाई हूँ, फिर अभी हमारे ब्लॉग हमेशा चलते ही रहेंगे, आपसे मैं शेयर करती रहूंगी, थोड़ी थोड़ी बातें कभी कभी होती रहेंगी, तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, बस धन्यवाद बोलूँगी आप लोग का, दिल से धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज आप लोग इनको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये ब्लॉग बना के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो जो त्रुटि है जो वो, उसके लिए कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग सहयोग करेंगे, और बहुत सारी शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से आप लोगों को भी। वही, जैसे आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब, और एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कीमती है, आप लोग मेरे लिए, आप लोग की वजह से जो भी है आज जो भी चल रहा है वो आप लोग की वजह से। मैंने कभी नहीं सोचा था इस अनजान यूट्यूब चैनल में, मैंने अपना एक छोटा सा चैनल बनाया था, लेकिन आप लोग के प्यार सहयोग से ही आगे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिएगा और मैं हमेशा कोशिश करूँगी, हमेशा मेरी एक अच्छी कोशिश करूँगी मैं, कुछ अच्छा करूँ, आप लोग को अच्छा दिखाऊँ, जिससे आप लोग को भी कुछ सीखने को मिले। आदमी अपना टाइम देता है, अपना समय देता है, तो सोचता है कुछ अच्छा देखने को मिले, तो मैं हमेशा अपनी कोशिश जारी रखूंगी। और अभी आज हम लोग जल्दी फ्री हो गए हैं, 10:15 बजे ही मैं खाली हो गई हूँ, तो बस अब सोने का टाइम है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल है शुक्रवार, तो कल चलते हैं, फिर कल मिलते हैं आप लोग से। और आप अपना और अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखिएगा, यही मैं कहूँगी, और क्या कहूँ, बस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय, शुभ रात्रि।